स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गुजराती फाफड़ा और उसके साथ खाने वाली कढ़ी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको फाफड़ा बनाना नहीं आता तो आप ये रेसिपी को ज़रूर देखें। तो फाफड़ा बनाने के लिए हम एक बाउल में 2.5 कप बेसन, अगर ग्राम से ले रहे हो तो 250 ग्राम बेसन ले लेंगे। साथ में ही उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1.5 टीस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। इसे हम छान लेंगे और हम उसमें 2 टीस्पून अजवाइन हाथ में लेके मसल के डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। और अभी हम आटा बनाने के लिए मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम 1/2 कप हल्का गुनगुना पानी ले लेंगे और उसमें हम मेजर करके 1/4 कप तेल डाल देंगे। और तेल और पानी को हम फैट लेंगे तो ऐसा थिक वाइट हो जाएगा। और अभी ये मिक्सर से हम फाफड़ा का आटा गूंदेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। और रोटी से थोड़ा सख्त आटा रखेंगे और 1 टीस्पून जितना तेल डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। और फिर हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और 5 मिनट के बाद हमारा आटा आप देख सकते हो तैयार हो गया है। अभी हम उसमें से 1/2 आटा ले लेंगे, आटे को अच्छे से ऐसे मसल लेंगे। और इधर मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है वुडन का, उस पर मैं ये गाठिया बना रही हूँ। और अच्छे से आटे को मसल के उसकी ऐसा रोल बना के लोइया बना लेंगे। और लोइया बनाने के बाद एक लोइया ले लेंगे, ऐसे हम उसको शेप दे देंगे। और हथेली का जो ऊपर का भाग है उस पर मैं एक जैसा प्रेशर दे दूंगी और ऐसे हम खींच लेंगे। तो एकदम आसानी से फाफड़ा बन गया है। अभी हम फाफड़ा को ऐसे निकालेंगे, तो शार्प आप कोई सी भी छुरी ले लीजिए पतली वाली और ऐसे एकदम आसानी से इसे निकाल दीजिए। ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे तो एकदम आसानी से। अगर आपको लगे आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा तेल लगा लीजिए। तो हम चॉपिंग बोर्ड को और हाथ दोनों को थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे ताकि चिपके नहीं। और ऐसे सारे फाफड़ा बनाएंगे और पतली नाइफ की मदद से ऐसे हम उसे उखाड़ लेंगे। तो ये थोड़ा हार्ड है पर एक बार में आपको आ जाएगा। और अभी हम फाफड़ा को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने तेल पहले से गरम कर लिया है। तेल एक बार गरम हो जाए गैस की आंच मीडियम कर देंगे और जितने फाफड़ा एक टाइम में आते हैं उतने हम तेल में डाल देंगे। और मीडियम आंच पर ही 1/2 मिनट के लिए एक साइड और दूसरी साइड भी 1/2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जब भी हमारा फाफड़ा रेडी हो जाए तो हम इसे तेल में से निकाल के किचन पेपर पर रख देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। और फाफड़ा के साथ खाने जाने वाली कढ़ी के लिए हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून बेसन चने का आटा ले लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून दही डाल देंगे, 1 टीस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट या फिर अकेले मिर्ची का पेस्ट, और उसे हम मिक्स कर लेंगे। और 1 कप जितना मैंने पानी लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लम्स ना रहे ऐसा हम बैटर बना लेंगे। तो पूरा 1 कप पानी मैं यूज़ कर लूँगी और घोल बना लूँगी। तो यह हमारा घोल तैयार है। अभी हम उसमें 1/2 टीस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और उसमें 2 बड़ी चुटकी जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। और हमारा ये कढ़ी का घोल तैयार है। अभी हम उसे तड़का करेंगे। तड़का करने के लिए हम एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल ले लेंगे। तेल गर्म हो जाए हम उसमें 1/2 टेबलस्पून राई डाल देंगे, सरसों के दाने, उसे थोड़ा स्प्लटर होने देंगे। जैसे ही राई स्प्लटर हो जाए हम उसमें बनाया हुआ बेसन का घोल डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए उसे उबलने देंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो जब भी ये ऐसा गाढ़ा हो जाए गैस की आंच बंद कर दीजिए और इसे गर्मा गर्म फाफड़ा के साथ सर्व करें। तो हमारा फाफड़ा एकदम मार्केट जैसा और साथ में कढ़ी भी बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको ये गुजराती ब्रेकफास्ट, गुजराती फरसान घर पे बनाना नहीं आता तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये फाफड़ा और कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आप ये फाफड़ा घर पर एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको गुजराती फाफड़ा और उसके साथ वाली कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।